सुरंग फ्लाईओवर का उद्घाटन, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, उप मुख्यमंत्री मौके पर रहे मौजूद। विधायकों के पीटे जाने पर विरोध प्रदर्शन, पूर्व सांसदों ने भी मामले में जताई नाराजगी, घटना की करी घोर निंदा। सशस्त्र कानून खत्म हुआ सस्पेंशन, पुलिस ने की मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अधिकारियों ने सभी सवालों का दिया जवाब। खड़ी कार में अचानक लगी आग, आग लगने से पूरी कार जलकर हुई खाक, अज्ञात कारणों से चलते हुए हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे, बात करेंगे बिहार की और सीधे रुख करेंगे इस वक्त खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पूरे पुल का निरीक्षण भी किया। साथ ही कहा कि पुल निर्माण विभाग का कार्य सराहनीय है। लगता था पहले हम लोग घंटों लग जाता था जाने में, अब तो हम लोग सभी जनता को सुविधा बहुत अच्छा से मिलेगी। हाँ, जो आगे जो भी सुविधा होगी हम लोग देते रहेंगे। पटना के कुछ और पुल अभी तक निर्माणाधीन नहीं है, नगर निगम के क्षेत्र में भी आते हैं नगर निगम, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? सड़कों पर काफी जाम होता है, आपको साफ सफाई करना होगा, कुछ समस्या होती है? होती है समस्या, हाँ, लेकिन उसमें भी कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। हम चाहेंगे जहाँ तक जनता को सुविधा हो, हम लोग जितना बन रहा है जल्दी जल्दी, जिस तरह बनाए जल्दी जल्दी बनवाया गया उसी तरह फिर बन। आर ब्लॉक से जीपीओ तक का ये काम पूरा हो गया, हम तो पहले से ही देख रहे थे, अब तो इसका भी उद्घाटन हो गया और हम लोग तो इसको देखेंगे ना। और आप जानते ही हैं कि आज यही नहीं कि चीनी बल्कि और जगह के लिए जो पहले से प्रस्तावित है उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जाकर के देखेंगे, तो मेरा काम भी रहता है। तो मैं इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को, विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, इनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि काम हो गया। अब लोगों को कितनी सुविधा होगी, यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुंचेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा में हुई घटना से नाराज तेजस्वी यादव ने विपक्ष सभी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है वो मैं भूलने वाला नहीं हूं, इसलिए 26 तारीख को हम सभी मिलकर मजबूती से इस मुद्दे को सड़क पर उठाएंगे। इसके साथ ही बेरोजगारी, किसान समेत अन्य मुद्दों पर भी आवाज बुलंद की जाएगी। करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवाद विरोध करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने। बिहार विधानसभा में विधायकों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के विरोध में पूरा विपक्ष गोलबंद है। पूर्व के सांसदों और नेताओं की ओर से भी नीतीश सरकार के पुलिसिया कार्रवाई पर खासी नाराजगी जताई गई है और इस घटना की निंदा की गई है। बिहार में घटनाक्रम चल रहा है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके से पुलिस बुला करके विधायकों को अपराधी की तरह पिटवाया गया, तो यह स्पष्ट है कि सशस्त्र कानून जो
बना रहे हैं ये एकदम तानाशाही को संरक्षित करने के लिए बना रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनबाग धरना स्थल पर किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और महानगर के अध्यक्ष शशि रंजन मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि जब से केंद्र सरकार कृषि विरोधी कानून लेकर आई है तब से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना पर आज नहीं बैठे हैं, धरना पर हम लोग इस समर्थन में जो जिस इशू को लेके हम लोग बैठे हैं किसान के समर्थन में, हम लोग पहले भी 3600 जिला का हम लोग दौरा कर चुके हैं। इसका धरना केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि विरोधी बल, लोकतंत्र की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अभी गेहूं का कटाई का समय है। हम चाहेंगे एपीएमसी एक्ट जिस तरह 2006 में नीतीश जी ने निरस्त किया और बिहार से मंडी को समाप्त किया, पिछले 14 वर्षों के अंदर गेहूं की खरीद एमएसपी पर मात्र 1% हुई है। इस धरना के माध्यम से किसानों के समर्थन में हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जो गेहूं की कटाई हो वो 100% बिहार में एमएसपी के आधार पर पैक्सों के माध्यम से खरीदारी हो। बिहार विशेष सशस्त्र कानून पर सस्पेंस को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी एस के सिंघल, बीएमपी के डीजी आरएस भट्टी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। डीजीपी एस के सिंघल ने बिल के प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि यह कानून बीएमपी के लिए है, राज्य पुलिस के लिए यह कानून नहीं है। तो आपको बता दें कि सशस्त्र कानून को लेकर जो सस्पेंस लगातार जनता के मन में बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। सशस्त्र कानून पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल लगातार उठ रहे थे उन सवालों का जवाब पुलिस की ओर से दिया गया। पुलिस महकमे ने सभी सवालों का जवाब दिया और सशस्त्र कानून पर जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था उस सस्पेंस को यहां पर खत्म किया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान की तस्वीरें हैं, उन कैसे यहां पर अधिकारियों ने सभी सवालों के जवाब दिए और किस तरीके से जो लोगों के मन में संशय लगातार बना हुआ था इसको लेकर यहां पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने सभी सवालों के जवाब एक एक कर दिए। आपको बता दें कि अधिकारियों ने सभी सवालों के जवाब यहां पर दिए हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें पटना से हैं जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें हैं जहां पर सशस्त्र कानून को लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे, आम जनता के मन में जो भी सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब यहां पर दिया गया। जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया गया। हर केस में कार्रवाई हुई है ना अच्छे से, आप तो हर 24 घंटे में अधीर हो जाते हैं। FIR होती नहीं कि सर गिरफ्तारी। सर तो बात पूरी बात सुनिए ना, देखो आप भी जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार है। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच के कह रहा हूँ। अब मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर एग्जैक्ट क्या किस हद तक प्रोसेस चला है, तो अगर आप रुकेंगे मैं आपको 5 मिनट में पूछ के आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शेखपुरा के कलेक्ट्रेट पास कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय यहां पर धरना दिया और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुंदर सहन ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून लाया गया है
उससे किसानों को परेशानी हो रही है और इसके साथ बढ़ती महंगाई की वजह आम लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वे विफल दिख रहे हैं। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसान का जो तीन काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बनाया गया उसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस विपक्षी विधायकों, महिला विधायकों को बिहार सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया और बदसलूकी किया गया, वह इतिहास के पन्नों में काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। दूसरा नंबर, हम सरकार से मांग करते हैं कि शराब मदनी कानून जो लागू किए नीतीश जी वह मजबूती से लागू हो और माफियाओं पर सरकार अंकुश लगाएं। तीसरा, पूरे बिहार में लूट, बलात्कार, हत्या हो रहा है, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करे। शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय में दिग्गज नेता राजा बाबू की 95वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बरबीघा के जदयू विधायक और उनके पौत्र सुदर्शन कुमार ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ साथ शर्मा पंचायत के मुखिया शंभु सिंह, अनिल शाह सहित कई लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उदर, उदर। ये राजू बाबू जो हमारे दादाजी हुआ करते थे परम आदरणीय, उनकी जयंती समारोह है। आज इस जयंती समारोह में हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, श्रद्धापूर्वक उनको हम लोग नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए गए रास्ते पर, उनके आदर्शों पर हम लगातार चलते रहें, क्योंकि ऐसे पुरुष महापुरुष 500 साल में एक बार जन्म लेते हैं और जन्म लेते हैं कुछ इतिहास बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में आयोजित प्रसिद्ध कामरेड नेता शिव शंकर शर्मा की पहली बरसी पर छात्र नेता कन्हैया कुमार ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रथम पुण्यतिथि समारोह में बिहार से आए कामरेडों ने शिव शंकर शर्मा को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और दिवंगत नेता के जीवन वृत्तों के प्रेरणा लेने का संकल्प भी लिया। तो आपको बता दें कि शिवशंकर शर्मा की जो बरसी है वो यहाँ पर मनाई गई। मुकामा का ये मुकामा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इस बरसी कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं और लोगों ने इस बरसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो तस्वीरें आप मुकामा से देख सकते हैं इस वक्त VIP न्यूज़ पर, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर पूरा बरसी कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया और शिव कुमार शंकर अमर रहे इस तरीके के नारे भी यहाँ पर लगाए गए और मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और लोगों ने शीश झुकाकर आशीर्वाद भी लिया और वहीं मौके पर कन्हैया कुमार जो है वो भी मौजूद रहे और मूर्ति का अनावरण भी उनके हाथों किया गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के RB कॉलेज के NSS इकाई द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आजादी के 75 साल बाद क्या खोया क्या पाया विषय पर यह भाषण रहा। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर 26 साथी भाषण प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को 1813 से लेकर 1858 तक जो नीति अपनाई और हम लाडरौजी की बात करें तो लाडरौजी ने वो ग्रहण करने की नीति के तहत हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों, और उसके बाद 1813 से लेकर 1858 तक। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया जिसे लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर 4 दुकानदारों से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। इस क्रम में दुकानदारों और इसके उपयोग करते पकड़े जाने वाले उचित जुर्माने की राशि भी वसूली गई। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा तंबाकू सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार धड़ल्ले से अवैध बाजार जो है
वो नशीले पदार्थों का जारी है, जो है उसने कमर कसी है और लगे कि शेखपुरा में दुकानदारों के खिलाफ यहाँ पर यह अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत कई सिगरेट जैसे जो उत्पाद बढ़ गए हैं, तो वहीं जो उचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी की गई। इसी के साथ साथ जो दुकानदार हैं उन्हें भी यहाँ पर चेतावनी दी गई कि अगर एम संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर वो की जा सकती है। तो आपको बताइए कि पान मसाला बेचने वालों पर यहाँ पर एक ये बड़ा अभियान, उनके खिलाफ बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया गया है। तो शेखपुरा में जो दुकानदार हैं, कोटपा का नियम है जो है, तो तम्बाकू से बहुत लोगों को होता है कि कम से कम लोग तम्बाकू का उपयोग करें, चाहे धूम्रपान हो या चबाने वाला तम्बाकू हो, तो इसी के लिए कुछ नियम बनाया गया है। वो तो बोलते हैं कोटपा नियम 2003, इसी के नियम साथ इसमें हम लोग धारा 5 के अनुसार सभी लोग पकड़ा रहे हैं। खगड़िया के मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर में 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए पहली सभी छात्र छात्राओं के माथे पर तिलक लगाया गया। इसके बाद शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा डीपीओ पूर्वक एक फोल्डर में टीसी और कुछ आवश्यक सामग्री देकर विदा किया गया। तो खगड़िया की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दीक्षांत समारोह जो छात्र छात्राएं मौजूद थे उन्हें सबसे पहले तिलक लगाया गया। इसके बाद उन सभी लोगों को, उन सभी छात्र छात्राओं को और छात्र छात्राओं को एक फोल्डर में जो उनकी टीसी है और जो जरूरी कागजात है वो गया। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों के लिए यहाँ पर किस तरीके से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले छात्र छात्राओं को टीका लगाकर और मास्क कह सकते हैं कि किया गया। छपरा के सारण जिले के पुलिस कर्मियों का अश्लील डांस का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बीते दिन कोपा थाने के पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था, अभी तक उसमें का भी वीडियो वायरल होने लगा है। हालांकि राजधानक से आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने का कारण सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर आग किस वजह से लगी। अरे घटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप PIP न्यूज पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खड़ी कार में आग लगी, किस तरीके से इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आग कितनी बड़ी रही होगी। धुएं का गुब्बारा साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक रही होगी और किस तरीके से इलाके में हड़कंप मचा होगा। तो तस्वीरों का आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर आग बुझाने का काम जो है कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त VIP न्यूज़ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खड़ी कार में आग लगी, किस तरीके से खड़ी कार यहाँ पर धूं कर जलने लगी और मौके पर पहुँची, समय पर पहुँची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और इस पूरे हालात पर काबू पाया। और ये धुएं का गुब्बारा साफ तौर पर बताता है कि आग कितनी भयानक रही होगी और अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था, कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता था। लेकिन बिना समय गवाए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची और तुरंत आग पर काबू पाया। वहीं साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक किस वजह से यह आग लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, कारण क्या है आग लगने का
ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये आग लगी है। लगातार जांच पड़ताल यहां पर जारी है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप ओटीटी आप देख सकते हैं कि वीआईपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर खड़ी कार में आग लगी, कैसे इस आग ने अपनी जद में इस कार को लिया, किस तरीके से ये कार धू कर जलने लगी, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं वीआईपी न्यूज़ पर कैसे यहां पर ये आग लगी है और किस तरीके से यहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, किस तरीके से मौके पर पहुँच उसने पूरे मोर्चे को संभाला, किस तरीके से आग बुझाई, किस तरीके से अधिक जानमाल का जो नुकसान है उसे होने से रोका, क्योंकि अगर समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता था कि एक बड़ा हादसा यहां पर होता, लेकिन फायर ब्रिगेड टीम समय पर पहुंची, मौके रहते उसने आग को बुझाया और किसी भी बड़े हादसे को होने से रोक दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि छपरा के नगर थाना क्षेत्र के रावल टोला में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पति की पिटाई के बाद उसे अपने मायके ले जाकर जहरीला पदार्थ खिला दिया। वहीं आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब एक पति की हत्या की गई और जो परिवार के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते देखे जा सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि मामूली झगड़ा जो है उसने मौत का रूप ले लिया, या यूं कहें कि एक अपराध का रूप लिया। किस तरीके से यहाँ पर पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाकर अपने पति के साथ मारपीट की, इसके बाद अपने ही पति को अपने मायके ले जाकर जहरीला पदार्थ खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मधुबनी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पर पुलिस ने खेत में गांजा बरामद किया। आपको बता दें कि खबरों की मानो तो कुछ तस्कर ने झांझारपुर थाना के बलियार गांव में होते हुए गांजा का तस्करी कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार के चलते उनकी गाड़ी गेहूं के खेत में पलट गई, जहां तस्करों ने पुलिस से अपना माल बचाने के लिए झाड़ी में छुपा दिया और मौके से फरार हो गए। तो वहीं वाहन को खेत में पलटा देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गांजे के 5 पैकेट वहां से जब्त किए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये कार पलटी, किस तरीके से तस्कर जो है अपनी कार को छोड़कर यहाँ से फरार हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि जहां जिला के कटरा थाना क्षेत्र में हुई शराब तस्करी में पुलिस ने झारखंड के तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी SSP जयकांत ने दी, जिसमें उन्होंने बताया कि शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में विशेष टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जिला पुलिस ने ही 7 एक्साइज की टीम ने एक योजना के साथ तस्करी करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से इस मामले में पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा शराबी तस्कर, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्कर के पास से मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। योगेंद्र कुमार यादव जी का पूछताछ किया गया, उसका फिर उसका जो निकाला तो इसमें मनोज कुमार सहयोगी का नाम आया, मनोज कुमार यादव एवं बाबू बढ़ी थाना क्षेत्र के मटचौड़ा के से संजीत कुमार रंजीत कुमार केसर उपेंद्र राउत है गिरफ्तार किया गया। उन लोगों भी स्वीकार किया, जो भी किया सब स्वीकार किया गया, कहूँ जहाँ गेहूँ बेचा तो हम गाड़ी बेचे संजीता, उसके बाद बेगूसराय गई टीम हमारी, मैं रास्ते में रस कर रही है बेगूसराय टीम जाकर लाखों ओपी थाना क्षेत्र में जहाँ ट्रक बेचा था गाड़ी चालक सहयोगी जो अपराध कर्मी राजकिशोर महतो हैं, पिता बालेश्वर महतो हैं, वह धबोली का है ना, हाँ उनके बताए अनुसार टाउन थाना क्षेत्र में सुभाष चौक के पास गैरेज है,
गैरेज से भी जो हमारा तथाकथित लूटा गया जो ट्रक था वह बरामद किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।